यसु आप कम इन प्लीज। डॉक्टर कौन सर? डॉक्टर ने किसी लोग। थैंक यू सर। और सुनो कैसे हैं आप? रिलैक्स हैं? यस। आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? यस। अच्छा शुभम, आप ने अपनी फर्स्ट चॉइस में आईएएस नहीं आईपीएस लिया, इसके पीछे कोई वजह? सर मैं चूंकि शुरू से एनसीसी से जुड़ा रहा तो एक स्वाभाविक रुझान यूनिफॉर्म के प्रति था। बाद में सर मेरा ग्रेजुएशन ईएलएलबी से हुआ है, तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मेरा जो मतलब रुझान था वो पुलिसिंग और क्राइम प्रिवेंशन के प्रति अधिक था। और जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की तो मैंने पाया कि मैं पुलिसिंग से संबंधित विषयों के प्रति अधिक संवेदनशील हूँ, तो फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं पुलिस को एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। तो जो आप लीगल प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके कैसे आपके मन में ये सवाल उठा कि आप एक लॉयर के बजाय एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में बेहतर आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम कर सकते हैं? आप एक लीगल एक्सपर्ट के रूप में ज्यादा कर सकते थे, लीगल सिस्टम में कोई एक फंडामेंटल चेंज ला सकते थे। इन आईपीएस में तो आपको एक सिस्टम में बंद कर काम करना पड़ेगा विद इन द बाउंड्री ऑफ द लॉ। सर निश्चित रूप से एक लॉयर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज में, परंतु चूंकि जैसा मेरा एक जो रुझान था वो क्राइम प्रिवेंशन के प्रति अधिक रहा, और लॉयर जो है वो आफ्टर क्राइम के बाद जो है जस्टिस के आप पुलिस में हाथ बंध जाएंगे, आप किसी क्रिमिनल को पकड़ेंगे, आप कोर्ट में देंगे, कोर्ट उसे बेच देंगे और फिर वो वहाँ का वहाँ क्राइम करता रहेगा, वर्षों तक फिर वो उसके मुकदमे लटके रहेंगे। बतौर आपको लॉयर से जज बनना चाहिए था, जुडिशियरी में कुछ एक्टिविटी लाना चाहिए था, तो आप उसे छोड़कर आपने पुलिस सेवा को चुना, तो मेरे विचार से आपको जुडिशियर सर्विस। तो निश्चित रूप से जुडिशियरी एक बहुत बेहतर सर्विस है, परंतु जो मेरा एटीट्यूड था पुलिसिंग के प्रति, क्योंकि पुलिसिंग में आप रहकर क्राइम प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये तीनों ही चीज संभाल सकते हैं, और आज जो क्रिमिनल्स के छूटने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है वो यह है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, और दूसरी चीज़ है क्राइम प्रिवेंशन भी नहीं कर पा रही है। मुझे लगा कि मैं क्योंकि मेरा एटीट्यूड उसके प्रति सकारात्मक था, और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की तो उसके बाद एक अवसर मैंने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड में दिया जाए, क्योंकि मेरा रुझान भी उस फील्ड में, और इसलिए मैंने इसका जाए। ओके, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट? यस। आपने तो आपके काफ़ी वेराइटीज हैं, आप पूरी पढ़ाई लॉ से करते हैं, फिर हिंदी साहित्य आप सेलेक्ट करते हैं, आप आईएएस के बजाय आईपीएस चुनते हैं, वहाँ तो ठीक है, तो आपका आप लॉ एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, क्या हिंदी साहित्य कर लो? सर मैंने अपने प्रारंभिक अटेम्प्ट में लॉ को ही एज ऑप्शनल रखा, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, जितनी डेप्थ और जितनी इसमें स्टडी की आवश्यकता थी वो मुझे लगा कि मैं क्योंकि मेरा माध्यम हिंदी में रहा है तो मुझे लगा कि मैं शायद इसमें उतना न्याय नहीं कर पा रहा हूँ सब्जेक्ट का, और चूंकि हिंदी मुझे आपका हिंदी रहा जी सर, तो और मेरा जो ग्रेजुएशन है उसमें भी चूंकि मैं हिंदी एक विषय के रूप में 2 साल मैंने पढ़ा था, तो 12वीं तक की मेरी पढ़ाई भी हुई थी, तो जब मैंने वैकल्पिक विषयों की खोज शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि हिंदी साहित्य में मैं अधिक कंफर्टेबल रहूँगा, और इसलिए मैंने रिसर्च किया। तो आपने हिंदी साहित्य में, क्या मैं जान सकता हूँ हिंदी साहित्य में आपकी रुचि तो है, उसमें भी कई पार्ट होते हैं, प्रोज होता है, पोएट्री होती है, आपको किस पार्ट में जा रहे हैं? वैसे तो हिंदी सभी मतलब एक आकर्षक विषय है, परंतु फिर भी गद्य विशेषकर प्रेमचंद जी की जो उपन्यास वो जैसे गोदान हमारे सिलेबस में, तो वो मुझे एक सबसे ज्यादा मतलब इसमें आकर्षित करता है। अच्छा, प्रेमचंद के गोदान आपको तो प्रेमचंद के गोदान और प्रेमचंद की पूर्व रचनाओं क्या फर्क? सर जैसा कि गोदान के विषय में कहा जाता है कि ये प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं उसका एक सार अगर रचना गोदान में, पूर्व की रचनाओं में समाज की एक समस्या को उठाया जाता था, जैसे कर्मभूमि है तो उसमें केवल किसानी की समस्या को उठाया गया, इसी प्रकार रंगभूमि है पूंजीपति, दोनों केवल आप जो देख रहे हैं वो रेंज ऑफ इश्यूज के ऊपर आप फर्क देख रहे हैं, या आप उनकी ऑब्जेक्टिव में या उनके कहने के तरीके में फर्क देख रहे हैं? ये सर पहला तो ये है ही, दूसरा सर इसमें गोदान का जो मतलब गोदान में जो प्रेमचंद का यथार्थवादी मतलब आदर्शवादी जो नजरिया था वो यहाँ आकर पूर्णतः यथार्थवाद में परिवर्तित हो गया। होड़ी की जो मृत्यु है वो दर्शाता है कि प्रेमचंद अब समस्याओं का आदर्शवादी हल देते देते थक चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने समाज की जो विद्रुप समस्याएं हैं और उसका जो परिणाम है, किस प्रकार है किसान अपनी छोटी सी एक जो सपना है कि एक गाय उसे खरीदना है,
जबकि अंत में उसके जो शब्द रहते हैं कि एक गाय खरीदने की तमन्ना थी परंतु वहां भी पूरी ना हो पाई, तो सर यहाँ दर्शाता है कि प्रेमचंद समाज की जो विद्रूपता है उसको उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जैसी वे है। इस रूप में सर अपना किसी प्रिय कवि का नाम लेते हैं सर। कवि में सर कबीरदास जी मुझे ज्यादा। कबीरदास क्यों सर? कबीरदास जी ने उस समय जबकि पूरा देश राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जकड़ा हुआ था, सामाजिक कुरीतियां धार्मिक जो विद्रूपताएं थी वो समाज में व्याप्त थी, उस समय कबीरदास जी ने जिस प्रकार से बिना किसी भय के और अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक समस्याओं पर धार्मिक जो कर्मकांड है आडंबर है उन पर और राजतंत्र पर भी जिस प्रकार की चोट की है, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एक सुखद कवि थे। इसलिए सबों को पढ़ने के बाद आपके अंदर अभी वर्तमान में क्या लग रहा है? आप कुरान पढ़े कबीर आपके बहुत मतलब आपने अभी कहा कि हाँ सबसे अधिक आप उनसे प्रभावित हैं, तो वर्तमान समाज में आप कैसे जोड़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या चुनौतियां देखते हैं उनको पढ़ने के बाद? मैम यदि कबीरदास की तुलना की जाए तो कबीरदास ने जिस प्रकार से निर्मुख निर्भय होकर और अपने समय के समाज को और धार्मिक आडंबरों पर चोट की थी उसी प्रकार की आवश्यकता आज भी है, क्योंकि सामाजिक जो वैमनस्य है या धार्मिक वैमनस्य है वो आज भी समाज में किसी न किसी स्तर पर व्याप्त है। मुझे लगता है कि हम कबीर से वो प्रेरणा ले सकते हैं। यदि गोदान की बात की जाए तो आज भी जो NCERB का डेटा है उसमें ये बात की गई है कि किसानों की आत्महत्या की दर बहुत अधिक है, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि 100 साल बाद भी गोदान के रचित जाने मतलब लगभग 80 साल हो गए, उसके बाद भी हम अगर वस्तु स्थिति में परिवर्तित नहीं कर पाए तो हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं और हमें क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे समाज जो है किसानों की समस्याओं के प्रति ग्रामीण जीवन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो सके। वर्तमान में क्या स्थिति है MP में किसानों की? मैम यदि जो अभी नीति आयोग की हाल में एक रिपोर्ट आई थी MP के विषय में, इसमें कहा गया था कि जो MP की कृषि ग्रोथ है वो बहुत ही आकर्षित करने वाली है, क्योंकि पिछले लगभग 20 सालों में MP में कृषि उत्पादन 3 से 4 गुना अधिक बढ़ा है हर फसलों का। इसमें मैम तो इस प्रकार कृषकों की आय भी वृद्धि हुई है। तो अभी वर्तमान में अगर MP की कृषि की बात की जाए तो इसमें विकसित विकास की दिशा में मतलब कृषि है। तो क्या केवल MP में विकास किया गया है, इसके अलावा अन्य किसी राज्य में नहीं किया गया? मैम अन्य राज्यों के डेटा के विषय में उतना अवगत नहीं, परंतु फिर भी चूंकि भारत में जो कृषि उत्पादन है वो पिछले लगभग मतलब लगभग लगातार बढ़ा ही है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि किसी भी मतलब हर राज्य में विकास हुआ है, परंतु चूंकि MP पहले बहुत अधिक पिछड़ा था, इसे बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया था, और वर्तमान में जो कृषि की ग्रोथ रेट है MP में, इससे जो MP का बीमारू राज्य का एक तमगा था वो अब धीरे धीरे मतलब हट चुका है और एक कृषि मैम मेरा मानना है कि अब MP बीमारू राज्य तो नहीं है, इसे मैं विकासशील राज्य के रूप में देखना चाहूंगा जो बहुत तेजी से राष्ट्रीय पटल पर आगे बढ़ रहा है। पूरे देश के रूप में जैसे आपने किसानों की बात की तो क्या ओवरऑल किसानों की दशा बहुत अच्छी हो गई है? सर अभी मुझे लगता है कि इस पर बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। आजादी के समय से वर्तमान स्थिति की अगर तुलना की जाए तो निश्चित रूप से किसानों की दशा में बहुत सुधार हुआ है, परंतु फिर भी किसान वर्ग तो फिर ये जो किसानों के आंदोलन वगैरह हुए 1-2 साल पहले वो किस परिप्रेक्ष्य में थे? अगर उनकी दशा बहुत बढ़िया हो गई है, हर चीज बिल्कुल ठीक हो गई है। सर किसान आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो 3 कृषि कानून जो उस समय लाए गए थे सरकार के वो थे, तो इसमें सर क्योंकि कृषि कानून जो सरकार ने लाए थे और जिस फॉर्म में लाए थे उसकी पिछले लगभग आजादी के बाद के सभी कृषि आयोगों ने इसका समर्थन किया था, परंतु चूंकि सरकार उसको सही से कन्वे नहीं कर पाई और किसानों में एक ये भ्रम बैठ गया कि कहीं ना कहीं इससे NSP की जो व्यवस्था है वो शायद समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसका एक आंदोलन बड़े रूप में था। सर हारमोनिका उसी को कहते हैं। सर फेवरेट गाना है सर ओल्ड सॉन्ग, क्योंकि उस पर बजाना आसान होता है। सर यदि मतलब जो स्टेबल वाटर है उसकी बात की जाए तो क्योंकि वहाँ पर लहरों का प्रभाव नहीं होता तो तैरना आसान होता है थोड़ा, जबकि जो फ्लोइंग वाटर है उसमें क्योंकि लहरें यदि आप लहरों के साथ तैर रहे हैं तो फिर आपके लिए आसानी होगी, परंतु यदि लहरों के विपरीत तैर रहे हैं तो थोड़ी आपको कठिनाई होगी।
और स्टेबल वाटर अगर सर इसकी तुलना तालाब से की जाए तो क्योंकि मतलब स्टेबल वाटर को अगर मैं पैमाना मानूंगा तो वहां पर तैरने में ये रहेगा कि आपको पहले से पता होगा कि पानी कहाँ कितना गहरा है, यदि पुल स्विमिंग की मैं बात करूँ संदर्भ में, जबकि जबकि सर नदियों का जो टेक्सचर होता है मतलब जो उसकी जो पूरा किस प्रकार की मतलब नदी है, गहराई कैसी है, कहाँ पत्थर है कहाँ नहीं, तो इसमें सर थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एकदम नई नदी में जाकर तैर रहा है तो उसके लिए अगर वो उस नदी से परिचित नहीं है तो उसके लिए समस्या आ सकती है। दूसरा सर बैक स्ट्रोक होता है, एक सर बटरफ्लाई होता है, सर एक और होता है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। सर मुझे क्योंकि मैंने स्विमिंग पूल का अनुभव नहीं है तो मैंने हालांकि जो मुझे अनुमान है सर 50 मीटर का शायद देखता है। रघुवंश का ऊपर एक बहुत ही महान काव्य है, आपको मालूम है सर कालिदास जी द्वारा जो रघुवंश लिखा गया था इसे सर रघुवंश पर महान काव्य के रूप में हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ा है आपने? नो संस्कृत में भी नहीं पढ़ा? नो। तो आपने एनसीसी लिया था पहले? यस। कितना कौन सा सर्टिफिकेट मिला था? ए सर्टिफिकेट। इसीलिए आपको पुलिस के लिए शायद थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है क्या? सर मैं मतलब मैं उस समय तो इतना झुकाव में नहीं था, परंतु जो मेरी एक पर्सनालिटी डेवलप हुई एनसीसी से क्योंकि अनुशासन था, यूनिफॉर्म थी, तो वो बाद में मुझे ऐसा लगा जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कि शायद मुझे पुलिसिंग के प्रति मतलब जाना चाहिए आगे भविष्य में। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने रिक्रूटमेंट का कुछ रूल चेंज किया है, इसके बारे में आप जानते हैं? सर अग्निवीर yeah. जी सर अग्निवीर जो अभी एक नई योजना सरकार ने और आर्मी ने प्रस्तुत की, इसमें सर जो 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के 17 सर से 21 वर्ष के आयु वर्ग के जो युवा है उनके लिए स्कीम है। इसके साथ सर दो प्रकार की मतलब भर्ती होगी, उसके बाद सर दो प्रकार के टेन्योर होंगे, एक सर 4 साल की होगी और यदि उसमें 25% जो युवा है उनका फिर मतलब टेस्ट के माध्यम से उन्हें फिर सर फर्दर जो परमानेंट एक प्रकार से आर्मी में जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाए। अच्छा, इस बारे में थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि कुछ दिन के बाद उनको निकाल दिया जाएगा। यस सर, चूंकि भारत क्या लगता है ये स्कीम अच्छा है? सर जहां तक मेरा मानना है ये स्कीम सर बिल्कुल बहुत विचार कर कर लाई गई है और जो भारत की आर्मी को युवा बनाए रखने के लिए और उसका जो मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम कर और कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाने के बढ़ाए जाने के लिए स्कीम को लाया गया है, तो ये मुझे लगता है सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करके कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए कुछ मसल रहता है? सर जैसे वर्तमान में आर्मी का एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो सर सैलरी और पेंशन में जाता है, जबकि जो भविष्य की आर्मी है उसके लिए आवश्यक है कि हम नई टेक्नोलॉजी में एक्सपेंडिचर करें और भारत में सर बहुत अग्निवीर से वो कैसे सॉल्व हो जाए? सर चूंकि इसमें मतलब जो स्थाई कमीशन मतलब जो 4 साल का ही टेन्योर रहेगा तो इसलिए जो मतलब पेंशन और जो सैलरी का बोझ है सरकार पर वो थोड़ा कम होगा, इसलिए सर मतलब थोड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम हो सकता है। इससे सोल्जर्स को तो सेफ्टी नहीं मिलेगी 4 वर्ष में लाइफ के साथ जो चीज है और उनको आप बस उनके सारे पेंशन से 4 ईयर्स के बाद आप उन्हें छोड़ देते हो फिर वो कहाँ जाएंगे? सर जो वर्तमान में सरकार ने इसमें व्यवस्था की है इसमें ये है कि 4 वर्ष की जो पूरी मतलब उनकी सेवा रहेगी इस दौरान उन्हें स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाएगा पहली बात। दूसरी बात सर यदि वो आर्मी में 4 वर्ष की सेवा देते हैं तो उससे उनमें खुद में एकता, अनुशासन और डिसिप्लिन की भावना विकसित होगी और साथ में आत्मविश्वास भी आएगा। और तीसरा सर इसमें जब सेवा समाप्त होगी मतलब 4 वर्ष की तो एक निश्चित अमाउंट मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ 12 लाख का अमाउंट दिया जाएगा। सर मुझे लगता है कि जब वो समाज में वापस आएंगे तो उनके पास स्किल रहेगी, आत्मविश्वास रहेगा और एक फिक्स अमाउंट रहेगा। प्रोटेस्ट तो गलत हुआ जी सर, गवर्नमेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ तो गलत था सर। इसमें कुछ युवाओं की चिंताएं थी जिसमें सबसे बड़ी चिंता यही थी कि यदि कोई व्यक्ति गलत है
सर मैं प्रोटेस्ट क्योंकि ये संविधान के तहत आर्टिकल 19(1) के तहत सभी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, और बहुत बड़ा युवा वर्ग शायद इसे सहमत नहीं था, तो ये उनका अधिकार था कि वो इसका प्रोटेस्ट करे, परंतु चूंकि सरकार और आर्मी का ये मानना था कि ये भारत की जो भविष्य की आर्मी है उसके लिए एक बेहतर विकल्प है, तो इसलिए सर इसके साथ सरकार कंटिन्यू हुई। आप अभी वर्ल्ड अफेयर्स में क्या क्या इश्यूज आपको सबसे चिंतित कर रहे हैं? सर सबसे प्रमुख इश्यू मुझे लगता है कि जो लॉ बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है वो उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, जैसे कि अभी चीन ने जो वहाँ के कुछ टापू पर एक ICJ का जजमेंट आया था उसे मानने से इनकार कर दिया। दूसरा सर जो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इशू है वो सबसे बड़ा इशू है अभी रेड सी में जो स्थिति बनी हुई है। तीसरा सर मुझे लगता है कि बहुत सारे देश जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा मतलब ऊपर रखते हुए और एक दूसरे राज्यों के जो निजी मामले उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये भी एक तीसरा बहुत बड़ा इशू मुझे लगता है। और चौथा सर इकोनॉमिक जो स्लोडाउन है उसका खतरा तो बना ही हुआ है। कोविड का टाइम में एक इशू बहुत ऊपर आया था और सस्टेनेबिलिटी। यस सर, इस विषय में आप चिंतित नहीं? यस सर मैं माफी चाहूंगा, पर ये भी एक बहुत गंभीर विषय है कि विकास और पर्यावरण को कैसे साथ में रखा जाए। आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचा है? सर अगर क्लाइमेट चेंज पर मेरा विचार है तो सर मेरा मानना यही है कि जिस प्रकार कबीर ने कहा है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो हमें सर उसी एक धारणा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि जो अति उपभोग की एक दौड़ में पूरा विश्व हो चुका है उसके स्थान पर हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विकास और पर्यावरण की सर सतर्कता के रूप में देखना चाहिए। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को कहना है कि जो डेवलप्ड है उन लोगों ने भोग कर लिया पूरा, अभी आप लोग हमको कहते हैं कि आप भोग मत करो क्योंकि ज्यादा नहीं है, ये ठीक है क्या? सर इस पर मेरा मानना है कि चूंकि जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा पूरा उठाया और ग्लोबल जो कार्बन स्टेक है उसमें अधिकांश जो है उन्हीं के माध्यम से आया है, तो जो डेवलपिंग कंट्री है जो अल्पविकसित देश है उन्हें अभी मौका दिया जाना चाहिए। और इसमें भारत सरकार का भी जो स्टैंड है जैसे इसमें कॉमन बट डिफ्रेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक स्टैंड भारत सरकार ने रखा है, तो सर मुझे लगता है ये बहुत बेहतर स्टैंड है कि आप अब जो है इसमें जो विकसित देश है वो एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, दूसरा फंड ऐसे अल्पविकसित देशों को दे जिससे वो जो हरित टेक्नोलॉजी है उसको अपना पाए और विकास भी कर पाए। उसके लिए कॉमन एक्शन के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर मैं समझा क्लाइमेट चेंज के लिए जो काम करना है कॉमन एक्शन लेना है सब देशों का, इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि जो विकसित देश है वे अभी वो सब चाहते हैं जो कि एक अल्पविकसित देश या विकासशील देश इस समय नहीं कर सकता, जैसे कि इस प्रकार का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जितनी रेपिड, जैसे अभी हाल ही में जो COP28 हुआ था उसमें 2030 तक के लिए कोयले को फेज डाउन मैनर में समाप्त करने की बात की गई, परंतु ये विकसित विकासशील देशों के लिए संभव नहीं है। तो और दूसरा सर जो विकसित देश है वे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो ये दो बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा समस्या है कि फाइनेंस के लिए फाइनेंस के ऊपर ही हमेशा प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंस नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ अभी जो सर पूछ रहे थे आपको COP28 में, इस बात पे COP28 में कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा हुआ हो जो इसको हम लैंडमार्क कर सकते हैं? सर एक इसमें जो पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर अभी तक क्या क्या देशों ने कदम उठाए हैं उसके लिए सर एक पेपर, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो पेपर प्रस्तुत करने की एक बात की गई है, तो वो सर मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा सर इसमें एक एडॉप्शन मतलब मैं सर नाम उसका एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, एक ऐसा फंड बनाया गया है जिसमें सर अलग अलग देशों ने एडोप्टेशन फंड ऐसे जहाँ तक है तो वो बनाया गया सर, तो ये महत्वपूर्ण। यही दो और भी कुछ सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। आप लॉस और डैमेज फंड तो नहीं कर? यस सर लॉस एंड डैमेज तो वो फंड फंक्शनिंग है, उस फंड में तो बहुत कम पैसे आने, अभी वैसे जैसे कंट्री में मात्र 17 मिलियन दिए। यस तो 17 मिलियन डॉलर इज वेल द क्वाइट इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, तो इससे तो काम नहीं फंड सर। यही मतलब फाइनेंस की ही एक सबसे बड़ी समस्या है जो अभी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सर यही मतलब, क्योंकि विकसित देश चाहते हैं कि विकासशील देश इस पर एक्शन ले, परंतु जो फाइनेंस की समस्या है वो लगातार बनी है। अरे तो इंडिया ने कई ऐसी इम्पोर्टेंट
प्रपोजल को सिग्नेचर करने से इंडिया ने मना कर दिया था आपके दबाव में। यस ध्यान कौन से वो इंडिया ने मना सर, जैसे एक कोयले को फेस डाउन मैनर में समाप्त करने का ही प्रपोजल, तो फेस डाउन वाले में तो फिर उन्होंने फेज आउट को फेस डाउन में इंडिया ने चेंज करवा दिया, उन्होंने चेंज कर दिया। ये जो उसका प्रेसिडेंट था इसमें तैयार हो गया, उसने फेज आउट शब्द को फेज डाउन वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया। इसके अलावा अभी सर ने एक पॉइंट उठाया था, जैसे आपने आईपीएस ज्वाइन करने के लिए डिफरेंट रीजंस भी दिए, और जहां तक मैं रिकैप्चुलेट कर पा रहा हूँ, आपका कहना था कि आप इसलिए आईपीएस ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि आप क्राइम प्रिवेंशन की तरफ को और कल्प्रिट्स पे एक्शन लेने के पर्पस के लिहाज से आप आईपीएस आपने ऑप्ट किया है, तो क्या एज ए आईपीएस ऑफिसर आपका फोकस मेनली रेगुलेशन ऑफ क्रिमिनल एंड ऑल दैट रहेगा? सर यदि मैं इसमें मेरी प्राथमिकता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता तो क्राइम प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहेगी। दूसरा सर इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है क्योंकि क्राइम प्रिवेंशन के लिए आवश्यक है कि कम्युनिटी की इंगेजमेंट पुलिसिंग के साथ बेहतर हो। तीसरा सर इसमें जागरूकता एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है, जैसे खुद मैं एनसीसी का रहा हूँ तो एनसीसी से रहा हूँ तो इससे ये हो सकता है कि जो एनसीसी कैडेट उस जिले में है उनके माध्यम से जागरूकता फैलाई जा सकती है, और स्कूलों में समय समय पर जो पुलिसिंग पुलिस के जाने के माध्यम से, जैसे अभी एमपी सरकार में एक कार्यक्रम शुरू किया गया बाल मित्र अभियान, इसमें समय समय पर पुलिस जिले के स्कूलों में जाकर और बच्चों को पॉक्सो अधिनियम है या स्वच्छता के प्रति भी जागरूक करती है। ये सर मुझे लगता है कि इन माध्यमों से मैं बेहतर पुलिसिंग कर पाऊँ। तो आर यू अवेयर ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पुलिसिंग कमीशन? नेशनल पुलिस कमीशन एक बहुत बहुत सारी रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी, आर यू अवेयर ऑफ सम सैलिएंट फीचर्स ऑफ दोस? कब दी थी, किस तरह की उसमें रिकमेंडेशंस थी? सर जो नेशनल पुलिस कमीशन है वो 1978 में बनाया गया था, और सर इनकी जो रिकमेंडेशन है उसे ही बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रकाश सिंह केस है उसमें रखा गया था। तो जो मुख्य रिकमेंडेशन उसमें सर यही है कि मतलब निश्चित कार्यकाल हो डीजीपी स्तर के और जो अधिकारी हो उनका, दूसरा सर एक पुलिस स्थापन आयोग हो जिसके माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे मामले हो, तीसरा सर एक पुलिस शिकायत केंद्र का भी निर्माण किया जाए राज्य स्तर पर, इसके अलावा सर चौथा ये था कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। सर ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें सेंसिटिवाइजेशन ऑफ स्टेट वालों स्टेट पुलिस को भी सेंसिटाइज करने के लिए सर्टेन एक्शंस रिकमेंडेशंस दी गई थी, और ताकि वो जो है इसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन समझने की बजाय एक जनरल प्रॉब्लम इसको समझ सके। तो इसमें चलिए इसके साथ में ये बताएं, आपने लॉ भी किया है सारा, तो लोगों में डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे लॉ के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और एक गरीब को एक लॉ का बेनिफिट देने के लिए और एक ओवरऑल सिस्टम जो है लीगल सिस्टम इज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस, डिकेड्स तक केस चलते हैं, इन सबको हैंडल करने के लिए लॉ में कौन से पर्टिकुलर प्रावधान किए गए हैं? आपने लॉ किया है तो आर यू अवेयर ऑफ सम ऑफ दोस? सर जैसे इसमें अगर जागरूकता के विषय में बात की है तो सर आरटीआई अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम मैं सोच पा रहा हूँ इस विषय में। ठीक है सर, इसके अलावा अगर प्रोसेस को तीव्र बनाने की बात की जाए तो अभी हाल में जो 3 क्रिमिनल कानून आए हैं ये दिशा में बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि इसमें चार्जशीट दाखिल करने से लेकर जजमेंट देने तक के लिए जितने भी जो नियम है मतलब जो समय है उसे निश्चित कर दिया गया। उसमें जागरूकता का उसमें क्या रोल है ये तो कैसे इम्प्लीमेंट करना ये है, एक जिले में किसी लेवल पे इंडिया के डिफरेंट लेवल्स पे जागरूकता के लिए सर एक करनी है। आर यू अवेयर ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987? यस सर। चलो ओके, अब ये बताया कि अभी अभी आपने एक कैरेक्टर का नाम कहा था प्रिंच, दूसरा हीरानंद सस्तानंद वासन, आगे का नाम सुना है? यस सर।
दोनों के अपोच में क्या फर्क? सर प्रेमचंद जी जो थे वो सामाजिक यथार्थ के लेखक अधिक माने जाते हैं, जबकि अज्ञेय जी जो है वो व्यक्तिगत यथार्थ के लेखक अधिक माने जाते हैं। प्रेमचंद जी ने जो गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित वर्ग के प्रति अधिक संवेदना दिखाई है और उनके संबंधित विषयों पर अधिक लेखन कार्य किया, जबकि अज्ञेय जी का लेखन कार्य जो है वो अधिक फिलोसॉफिकल और भाषाई, इससे मतलब जो व्यक्ति के मनोविज्ञान है उससे संबंधित अधिक रहा है। व्यक्ति के मनोविज्ञान पर तो प्रेमचंद ने भी लिखा है, उनका तो कहा ही जाता है कि वो मानव संवेदना के अभूतपूर्व चितेरे। तो आप अज्ञेय उनके दोनों के दोनों की राइटिंग अप्रोच में भाषाई स्तर पर भाव के स्तर पर क्या अंतर है? सर जो प्रेमचंद के यहाँ पर व्यक्ति का मनोविज्ञान है वो सामान्य मनोविज्ञान अधिक है, जैसे यहाँ पर होरी एक विशेष व्यक्ति ना होकर संपूर्ण किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो अज्ञेय की रचना जैसे एक शेखर एक जीवनी में उन्होंने लिखा है तो वहां पर शेखर एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति के रूप में अधिक है, ये आवश्यक नहीं कि शेखर हर व्यक्ति शेखर जैसा। सर ये एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है अंतर। ओके ओके सो इंटरव्यू को थैंक यू थैंक थैंक यू मैम। यस यस शुभ इनफॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो आप कोई नहीं आप बैठिए। देखिए एक्चुअली हम लोगों ने भी यही जजमेंट लिया कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आप प्रिपेयर भी और अवेयर भी, तो आपका इंटरव्यू कब? 31st इसी थर्सडे 31st यस 31st ठीक है। आप फॉरेन पॉलिसी में भी आपको कोई सवाल किया गया था उसमें एक छूट रहा था तो सर ना कोविड कर दे सस्टेनेबल भी छूट रहा था तो ये क्या होता है फ्लो में छूट जाता है इसका कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर भी ऐसा होगा उसके लिए पछताना नहीं क्योंकि हम लोग भी कभी कभी राइटिंग में बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट जाता है, इस बात का एहसास भी बाद में होता है छूट गया तो कॉपी 28 पे थोड़ा ज़्यादा अपडेट किया जाए स्कीम सब में ध्यान होना चाहिए। हाथ थोड़ा सा यहाँ रखिएगा या इस तरह से हाँ अभी तो हाँ यार इनफॉर्मल है ठीक तो कॉप 28 इन सब प्रिपेयर और इन्वायरमेंट पर थोड़ा जाए अब डेज का इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स नेक्स्ट फ्यू डेज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डेज का क्या हो रहा है पॉवर्टी रिपोर्ट अयोध्या तो हो सकता है बता दें और मान लीजिए इधर उधर कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है राजीव गांधी का राहुल गांधी का यात्रा हो रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है इधर ये सब कुछ ध्यान रखिएगा थोड़ा से और इंटरनेशनल क्या क्या हो रहा है इसको भी थोड़ा सा अभी ज़्यादा प्रश्न नहीं हुआ इस बारे में लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके ऊपर और बाकी सब तो ठीक है और जो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब मालूम होगा तो इसीलिए जहाँ नहीं जानते हैं उसको प्रैक्टिकल करना है कि इस ध्यान में नहीं है। ओके सर ऑल द बेस्ट सर मेरी स्पीड तो ज़्यादा नहीं कोई स्पीड ठीक है और कुछ पूछना था आपको नहीं सर और कुछ जानना चाहते हो नो प्रॉब्लम अब इसमें कुछ आर्टिफिशियल चेंजेस लाने की कोशिश मत करो सीधे जाओ जैसे इस बार इस तरीके से यस थैंक यू ऑल द वे।